नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, लाइफ में यदि बहुत ज्यादा कले हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बिना वजह नौकरी जाने की तैयारी में है या चली गई है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये तमाम सिम्टम से शनि देव के अप्रसन्न होने के, शनि देव आप पर ना खुश हो तब ये तमाम चीजें होने लग जाती हैं। सिंपल बात है, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये तमाम वो ग्रह हैं जो आपकी लाइफ में दुख दुख और दुख ही लेकर के आते हैं। हाँ, यदि ये ग्रह आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो बिल्कुल इससे उल्टा होना शुरू भी हो जाता है ना? लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है, आप परेशान होते ही जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को तो नोटिस करना ही होगा हर व्यक्ति को, कि यदि आप परेशान हो रहे हैं और उसके पीछे आपके कर्म जिम्मेवार हैं, तब तो आपको अपने कर्मों को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता दोस्तों कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कितने बंडल हैं, कितने खराब हैं। मैंने अपनी लाइफ में कितने ही ऐसे लोग देखे जो किसी और का प्रोग्रेस होता देख करके अंदर ही अंदर जलन और ईर्ष्या में ऐसे आ जाते हैं कि उस व्यक्ति का उनसे जितना, जिस तरीके का अहित हो सकता है उतना कर देंगे। कुछ एक ऐसे लोग दोस्तों जिनकी अच्छी खासी प्रेस्टीज थी, अच्छा खासा उनका प्लेस समाज में, घर में, लेकिन कुछ जो अंदर से जिनको बहुत ईर्ष्या होती है अच्छे लोगों को प्रोग्रेस करते हुए देख करके, इतने अच्छे सम्मानीय व्यक्ति का पीठ पीछे चुगली करना, निंदा करना, तरह तरह की उसके बारे में बातें करना, मैंने खुद ने देखा हुआ है। कई बार तो आप खुद झांसे में आ जाएंगे कि सच में सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही होगा जैसा ये बता रहा है, क्योंकि कुछ समय के बाद सच में जब रियलिटी सामने आई तो बहुत घिन आ गई ऐसे लोगों से कि ये इंसान सिर्फ ईर्ष्यावश किसी अच्छे इंसान की इतनी ज्यादा परनिंदा, चुगली, ताकि वो ऐसी खराब बातें करके उस व्यक्ति की जो इज्जत है उसको डाउन कर सके, लोग उससे मिलना टाले और उसका जो प्लेस है वो ना रहे जो है। अब जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो उसका फल तो आपको भोगना ही है, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने कर्म सुधारें। कई जगह आप देखना कुछ समदुखिया किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एक, दो, तीन, चार, एक ही परिवार की औरतें, आदमी इकट्ठा होने लग जाते हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उसको कैसे भी करके इसको हटाना है सोसाइटी से, घर से, क्योंकि उसका सिक्का मजबूत है, उसके अंदर उन तमाम समदुखियों से कहीं ज्यादा क्वालिटी है। आपने देखा था साईं बाबा, जब साईं बाबा का अस्तित्व था उस समय कितने लोग साईं बाबा के विरोध में थे, क्योंकि वो दिल जले थे, उनका प्लेस उनसे सहन नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण, कितने लोग उनका विरोध कर रहे थे। भगवान रामचंद्र जी, मंथरा ने तो उनको वनवास ही दिला दिया, हटाना तो दूर की बात है, ऐसे हटा दिया कि अगर ये यहाँ है तो भरत का राज तिलक नहीं होगा। जिस इंसान में खुद में बल नहीं होता, खुद में कोई क्वालिटी नहीं होती, वो लोग जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं कि जब तक ये व्यक्ति है हमारा प्लेस नहीं हो सकता। जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो उसका फल देने के लिए शनिदेव आएंगे, आएंगे और आएंगे। कुछ भी कर ले, सुख और शांति नहीं मिलेगी, ना नाम ना इज्जत, क्योंकि आपने वो किसी को दिया ही नहीं, जिनके पास थी वो भी छीन ली है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को इम्प्रूव करें। यदि आपके कर्मों में कहीं पर भी फॉल्ट है उसको सुधारें। ये उपाय जरूर करें जो मैं आपको बता रही हूं, शनिवार के दिन, शनिवार शनिवार यदि आप इस उपाय को करना शुरू कर देंगे,
आपके लाइफ से तमाम तकलीफें धीरे 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 कम होने लग जाएंगी। सरसों का तेल दोस्तों शनि की पनौती को बहुत जल्दी दूर भगा देता है। शनिवार के दिन शरीर पर सरसों का तेल, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि इस बॉडी पार्ट पर इस जगह सरसों का तेल लगाएं, शनिवार के दिन शनि की पनौती दूर होगी, है ना। तो दोस्तों शनिवार के दिन आपको क्या करना है, जो भी महिलाएं हैं जब भी रोटी बनाती है, रोटी बनाने से पहले जो तवा यूज किया जाता है, तवा लोहे का होना चाहिए। कई घरों में मिट्टी के तवे होते हैं, लोहे से मिलती जुलती अभी एक और भी धातु आ गई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ व्हाइट सी होती है और उसके तवे यूज करते हैं। इन तवों पर नहीं, सिर्फ लोहे का तवा होना चाहिए। लोहे का संबंध भी शनि से है, सरसों के तेल का संबंध भी शनि से है, है ना। और तवा दोस्तों वो चीज है जो बड़े बड़े टोने टोटके सिद्ध करता है, आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाता है। मैंने तवे पर इसके पहले भी काफी वीडियोस अपलोड किए कि तवे के द्वारा किस तरीके से आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, शत्रु को हटा सकते हैं, घर में आने वाली मुसीबत को दूर कर सकते हैं। तो आज आपको जो बताने जा रही हूँ दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। अच्छी जानकारियों को यदि आप शेयर करेंगे तो आप ही को पुण्य मिलेगा। मैंने देखा था दोस्तों, जब मैंने ये उपाय हमारे यहाँ एक लेडीज थी, तो जब भी बारिश में पानी बहुत बारिश में ज्यादा पानी बरसता था तो उसके घर में पानी आ जाता था। मैंने उसको बताया था कि आप इस तरीके से जब बहुत पानी बरसे और आपको लगे कि पानी अब छलक कर घर के अंदर आएगा, आप जिस तवे पर रोटी बनाते हो उसको उल्टा करके रख दो दरवाजे पर, देखी पर, पानी छलक करके अंदर नहीं आएगा, सिवाय कि कोई बहुत ही बड़ा कुदरती प्रकोप हो जाए, बाढ़ आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन आम तौर पर पानी छलक करके आपके घर में नहीं आएगा। वो लेडीज को सच में उसने बहुत दिल से धन्यवाद अदा कर रही थी जब मैं उससे नेक्स्ट टाइम मिली, कि अब मेरी वो तकलीफ बिना दीवार उठाए ही चली गई है। तो ऐसे दोस्तों अच्छी जानकारियों को यदि आप शेयर करते हैं तो पुण्य का काम है, किसी का भला होगा, आपका भला अपने आप ही हो जाएगा, है न। तो शनिवार शनिवार जब भी आप रोटी पकाते हैं तो तवे पर रोटी बनाने से पहले सरसों का तेल लगाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल छिड़क दें। जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म होता है उस पर सरसों का तेल छिड़के और बोले ओम सम शनिश्चराय नमः, सिर्फ एक बार ओम सम शनिश्चराय नमः, तवे के ऊपर सरसों का तेल छिड़क दें, बराबर। और उस दिन जो आप रोटी बनाए, पहली रोटी जो गाय की होती है वो आप काली गाय को खिलाएं। कुछ ही शनिवार आप इस उपाय को करें, आप देखेंगे शनि की कैसी भी पनौती होगी आपसे दूर हटने लग जाएगी। लेकिन मैंने पहले बताया कि आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन यदि कुकर्म कर रहे हैं साथ में तो उपाय काम नहीं करते। कई लोगों को आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आज हम ये वाला ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ये वाला रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, आज हम घर में ये वाले सप्तशती पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बराबर है, पढ़ो, लड्डू गोपाल को निहाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, सोने की बाली पहनाएंगे, ओहो हो भगवान तो प्रसन्न ही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान इंसानों की तरह लोभी लालची नहीं है, आप ऐसा कुछ भी मत करो लेकिन किसी के खिलाफ षड्यंत्र मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी इंसान को दुख मत दो, जितना हो सके अच्छा करो। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे दुखी है तो आप खुद ही उस प्लेस को छोड़ दो, वो अपने कर्मों का फल अपने आप ही भोगेंगे। खुद किसी की भी बदकिस्मती का कारण ना बने, करना है तो अच्छे कर्म करें, किसी की खुशी का कारण बने, किसी के जीवन को उजागर करें,
आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शनिवार शनिवार दोस्तों ये इस उपाय को करें, कर्म अपने जरूर सुधारें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं जो मेरा फोटो डाल करके आप लोगों को लूट रहे हैं। नंबर उन्हीं लोगों के हैं, मेरे नहीं है, तो प्लीज इनसे आप सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।